पढ़े हो कभी इतना इंटरेस्ट बड़ा पर कि बस सर पढ़ा दिए और उसको पढ़ लिए ऐसा? और कौन सा सब्जेक्ट होता है तुम लोग को? सब सब्जेक्ट होते सर। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी पढ़े हो एकदम इंटरेस्ट से? यस देखो मैं ना एकदम मेजर मेजर चीज में बता रहा हूँ, ठीक है? अगर तुम लोग को सॉफ्टवेयर लाइन में रहना है तो ठीक है, ठीक है, एकदम मेजर मेजर चीज बता रहा हूँ, फिर जो इम्पोर्टेंट होता है, अगर उतने सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है, सबसे पहला आता है सी लैंग्वेज, ठीक है, ये तो पढ़ लिए होंगे। सी लैंग्वेज पढ़ोगे नहीं पढ़ो? यस सी लैंग्वेज पढ़े हो, सी प्लस प्लस पढ़े हो? यस सर। पढ़ लियो। कंप्यूटर नेटवर्क पढ़े हो, सी एन? यस ठीक है, ये पढ़ लियो। ठीक है, इसके बाद आता है डेटा स्ट्रक्चर, पढ़ लियो। डीबीएमएस पढ़े हो, यस सर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हो, पढ़ पढ़ रहे हो, ठीक है, सी एस ए पढ़े हो, यस सर, वो भी पढ़ रहे हैं अभी। सी एस ए भी पढ़ रहे हो, और लास्ट में एक जावा पढ़ रहे हो, ठीक है, और क्या पढ़ रहे हो? मल्टीमीडिया, यस सर। ठीक है। बीसीएमएस, ये इतने जो सब्जेक्ट्स है, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड जो है, इसमें कुछ छूट गया है क्या? अच्छा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़े हो ना इलेक्ट्रॉनिक्स? यस सर, फर्स्ट ईयर में। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, सीएसए है, ठीक है, और कंप्यूटर नेटवर्क और सी लैंग्वेज, ये चारों को अगर देखा जाए, ठीक है, एक सेकंड को, ओके, यहाँ पे जो चार सब्जेक्ट है, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉनिक्स, सी, कंप्यूटर नेटवर्क, सीएसए, ठीक है। अगर इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, ठीक है, तो इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, ठीक है, वो एम्बेडेड प्रोग्रामिंग इसमें काम करती है, ठीक है। एम्बेडेड प्रोग्रामिंग मतलब चिप लेवल, जानते हो ये चीज? सुने हो कभी? नो सर। नहीं सुना है? ठीक है, आजकल के जो बहुत सारे टेक्नोलॉजीज बढ़ गए हैं, ठीक है, मतलब आज के डेट में 5G आने वाला है, ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी अभी आने वाली है, मतलब लॉन्च होने वाली, मान के चलो, ठीक है, 5G के लिए, ठीक है। अब जैसे ही 5G टेक्नोलॉजी आएगी, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस होंगे, ठीक है, मेमोरी में चेंज होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंजेस होंगे, प्रोसेसर में चेंज होगा, ठीक है।
5G किसमें यूज होता है? कंप्यूटर या फिर ठीक है मोबाइल, इसी में यूज होता है। ठीक है, जब मेमोरी में कुछ चेंजेस होंगे, मतलब इस चिप लेवल प्रोग्रामिंग करके इसमें चेंजेस किया जाएगा, प्लस हार्डवेयर भी इसमें चेंज किया जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब टोटल सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से ही ये मेमोरी प्रोसेसर सारी चीजें हैंडल होती है। ठीक है, देन उसके बाद प्रोसेसर जो होता है, ठीक है, इसका मेन पार्ट होता है। ठीक है, प्रोसेसर करोड़ों टाइप के प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, हम लोग तो बहुत कम जानते हैं, हम लोग इंटेल जानते हैं, ठीक है, AMD जानते हैं, और कौन कौन से जानते हैं, क्वालकॉम, ठीक है, MediaTek, ठीक है, और होता है M-Logic, Cortex, ठीक है, Apple के A1 से लेके A11, A13 आ गया, सॉरी अभी। ठीक है, इतने सारे प्रोसेसर्स हैं, ये तो बहुत हम लोग पॉपुलर वाले ही देख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी मान के चलो मार्केट में अगर देखोगे तो 1 करोड़ से ज्यादा प्रोसेसर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि डिवाइसेस इतनी ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, डिवाइसेस बढ़ेंगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम उसी के हिसाब से आएगा, प्रोसेसर भी उसी के हिसाब से आएगा। ठीक है, आने वाले डेट में ये चार चीज बहुत ज्यादा, मतलब एक टेक्नोलॉजी बूम जो बोलते हैं ना, ठीक है, मतलब जो मार्केट आने वाले 10 साल में होगा वो सीधा सीधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। और ये आप लोग को पढ़ाया जा रहा था कुछ दिन पहले, अभी भी पढ़ा रहे हैं शायद, क्या मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पढ़ा रहे हैं ना अभी भी, एक वो क्या नाम था उस सर का, हरमीत सर के जो बेटे हैं वो, तुम लोग अटेंड कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रहे थे सर, सचदेवा सर। हाँ, वही। ठीक है, तो वो आज की टेक्नोलॉजी में पढ़ाया जा रहा है, तो बहुत एडवांस लेवल में। ठीक है, अब ये चार टेक्नोलॉजी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पार्ट आता है। ठीक है, जो एम्बेडेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ वो टोटल सी लैंग्वेज में किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं मैक्सिमम सी लैंग्वेज में किया जाता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें, मतलब जो कनेक्टिविटी की बात आती है वो कंप्यूटर नेटवर्क में आती है। ठीक है, आजकल कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग जो पढ़ रहे हैं बहुत ईजी लैंग्वेज में पढ़े, बहुत कुछ भी नहीं था उसमें, एकदम ओवरव्यू था जो तुम लोग के कोर्स में था। ठीक है, इसके लिए होती है नेटवर्क प्रोग्रामिंग। ठीक है, नेटवर्क प्रोग्रामिंग। ठीक है, नेटवर्क प्रोग्रामिंग जो होती है आज के डेट में हाईएस्ट पेएबल जॉब है। अगर इसमें एक कोर्स होता है CCNA और CCNP, CCNP, ठीक है, CCN नेटवर्क मतलब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क प्रोग्रामर। ठीक है, अगर ये दोनों का आप लोग के पास सर्टिफिकेशन आ गया, ठीक है, तो मिनिमम 1 लाख की जॉब तो कहीं नहीं गई। ठीक है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है इसमें, कुछ 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 कोडिंग वोडिंग करो, कनेक्ट हो गया और बैठे रहो आराम से। फिर आया समझ में इसका जॉब कैसे रहता है? मेरी कजन है, ठीक है, वो इंफोसिस में, उसने 3 साल का ये कोर्स किया, दोनों CCNA और CCNP। ठीक है, सबसे पहले सर्टिफिकेशन उसके पास आया CCNA का, ठीक है, अगले साल उसने CCNP का भी एग्जाम दिया, उसने उसमें भी सर्टिफाइड हो गई। ठीक है, तो अब 2 सर्टिफिकेशन है उसके पास, CCNA और CCNP। ठीक है, 3 साल उसने दिया टाइम, लेकिन आज उसका अगर पैकेज देखोगे तो स्टार्टिंग पैकेज 14 लाख है। ठीक है, इसमें कोई प्रोग्रामिंग उतनी नहीं करनी पड़ती है,
पहले से सारे कमांड्स दिए होते हैं, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज जो होता है, ठीक, विंडोज सर्वर पे काम होता है, उसके अंदर पहले से करोड़ों कमांड्स पहले से दिए होते हैं, बस कमांड चलाना होता है। और लाइनक्स में उसकी प्रोग्रामिंग होती है, बस वो प्रोग्रामिंग करनी होती है और कुछ भी नहीं है, बहुत इजी प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, अगर ये, अगर हम लोग को बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, एकदम, हाँ क्या बोल रहे, मतलब ग्रेजुएशन के बाद होता है सबको, ग्रेजुएशन के साथ, ग्रेजुएशन के बाद होता है क्या सर ये सब कोर्स? ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों टाइम पे कर सकते हो। मैं प्रोग्रामिंग के अलावा बता रहा हूँ, ठीक है, अभी अगर प्रोग्रामिंग में नहीं जाना चाहते हो तो मेन मेन बेसिक बेसिक चीजें करो, ठीक है। अगर कंप्यूटर, देखो जब भी इंस्टीट्यूट कहाँ है, इंस्टीट्यूट बहुत सारे जगह में है। लास्ट टाइम जहाँ पे हम लोग गए थे पुणे में, वहाँ गए थे ना हम लोग इंडस्ट्रियल विजिट पे, याद है क्या, कोई गया होगा शायद आप लोग के में भी। हाँ हाँ, वो गया था ना एक लड़का, क्या नाम था उसका, पुष्पक, पता है, है ना, तो वो कंपनी जो है वन ऑफ द बेस्ट, रश्मि भी गई थी, ठीक ठीक तो वो कंपनी जो है वो वन ऑफ द बेस्ट मतलब माना जाता है वहां से, वहीं से मेरी कजन की थी, उन्हें उसी ने रेफरेंस दिया था कि वहां पे जाके देखो करके। वहाँ बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी सी है, ठीक है, मतलब ऐसा लगेगा कि कॉलेज का दो रूम मिला के बना दिया गया उसको, ठीक है, लेकिन वहां से जो ट्रेनिंग करते हैं वहां पे हाईली जो कॉन्फ़िगरेशन वाले जो कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, वो सारे थे, वहां के जो इक्विपमेंट होते हैं वो इंडस्ट्रियल लेवल के थे, ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे रूटर रूटर कनेक्ट लिए, दो चार कंप्यूटर कनेक्ट कर लिए, वैसा नहीं, पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग से लेके सारे चीज वहां पे सिखाया जाता है, ठीक है, मतलब वो लेवल ही अलग होता है, ठीक है। अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस की बात करें, ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस का फील्ड जो होता है वो दो तीन तरफ जाता है, ठीक है, एक होता है डिजाइनिंग, ठीक है, दूसरा होता है नेटवर्किंग, सेकंड होता है थर्ड होता है डेवलपमेंट, ठीक है। डिजाइनिंग मींस जो भी हम लोग यूएक्स डिजाइन करते हैं, यूआई डिजाइन करते हैं, ग्राफिक डिजाइन करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आती है, ठीक है, यूएक्स यूआई मतलब ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर को जो डिजाइन करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें डिजाइनिंग के अंदर आती है, ठीक है। इसमें ग्राफिक जो अगर सीख लिया, बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पे पैकेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, यहाँ पे ग्राफिक का यूज तो हर जगह होता है आज के डेट में, ठीक है। सेकंड आता है नेटवर्किंग, जो मैंने अभी भी बताया, ठीक है, नेटवर्क में अगर देखोगे तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है, मतलब नेटवर्किंग का काम जो है लगभग हर कंपनी में होता ही होता है, बिना नेटवर्क के तो कोई कंपनी चलती नहीं, ठीक है। थर्ड आता है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जो है वो एक मान के चलो स्ट्रगल वाला जॉब है, ठीक है, इसके लिए हमेशा अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है, मतलब हमेशा अपडेट रखना पड़ेगा अपने आप, नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते रहो, ठीक है, जॉब स्विच करते रहो, तब कहीं जाकर, इसमें ज्यादा लोग बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, मतलब अगर आपकी एज है 25, ठीक है, मैं क्या बता रहा था कि अगर आप 25 की एज में लगते हो, ठीक है, तो मैक्सिमम सरवाइव कर पाओगे 35, 36, तो बहुत ज्यादा हो गया तो 40, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे, ठीक है, इसके बाद बाल झड़ जाएंगे, वेट कम हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है, मतलब तो फ्रस्ट्रेट हो जाता आदमी बहुत ज्यादा। पैकेज मिलेगा अच्छा खासा, ठीक है, पैकेज तो मान के चलो 50 लाख के ऊपर हो जाएगा आराम से, 10 साल में 50 लाख पार कर दोगे, ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव करना चाहते हो तो
डिजाइनिंग ग्राफिक्स हो गया और नेटवर्किंग, दो फील्ड सबसे बेहतरीन है। नेटवर्क तो बहुत बेहतरीन है, बस इसमें एक ड्रॉबैक है कि ये 24/7 वाला जॉब होता है, ठीक है, कभी भी उठा के बुला लेंगे, जिस समय नेटवर्क डाउन हुआ उस समय बुला लेंगे, ठीक है, अगर वैसा शिफ्ट है तो, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं वैसे, ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारी अलग अलग टाइप की जॉब्स होती हैं, ठीक है। अगर मैं डेवलपमेंट का अगर बताऊं तो यहाँ पे ठीक है, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आता है सी लैंग्वेज, ठीक है। सी प्लस प्लस छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर लो, जैसे लाइक जावा, पाइथन, ठीक है, JSP और रूबी, ठीक है, PHP, ये सब डाउन मार्केट है, सब फालतू चीज़ है, ठीक है। रूबी ऑन रेल्स हो गया, और सबसे ज़्यादा इसी पे काम होता है, जावा, पाइथन, JSP, रूबी सबसे ज़्यादा, हाँ, और डॉट नेट, ठीक है, डॉट नेट मतलब ASP.NET, ठीक है, VB.NET और C#.NET, ठीक है, C#.NET, ये तीन टेक्नोलॉजी जो है ये हर कंपनीज यूज करती है, मतलब इतनी टेक्नोलॉजीज अगर सीख लेते हो, ठीक है, किसी भी एक में एक्सपर्ट हो जाओ, या तो पाइथन में हो जाओ, JSP कर लो, रूबी कर लो, या तो जावा कर लो, किसी एक में भी हो गए, मतलब वो लगभग लगभग सभी सीख जाओगे फिर ऑटोमेटिक, ठीक है। बहुत सारी चीजें सेम ही होती है प्रोग्रामिंग में, तो अगर ये टेक्नोलॉजी सीख गए और किसी भी कंपनी में घुस गए, एक बार बस घुसने की देर होती है, ठीक है। स्टार्टिंग पैकेज मान लो 2 लाख से चालू हो रही है, अगले साल वो 4 हो जाएगी, ठीक है, 2 साल बाद वो 6 हो जाएगी, फिर उसके बाद ऐसे बढ़ते जाए, 6 का सीधा 10, 15, ऐसे से बढ़ते जाता है, ठीक है। मेरा भाई है पुणे में, वो अभी उसके पास 10 साल एक्सपीरियंस है, उसका 22 लाख पैकेज है, ठीक है, तो इस प्रकार से वो बढ़ते जाता है, ठीक है। मैं भी अभी जाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, अगर किसी को MCA करना है, वो भी अगर NIT से वो कर रहा है, तो उसका स्कोप कैसा रहेगा? देखो, कोई भी डिग्री ले लो, ठीक है, डिग्री कोई भी ले लो, MCA की डिग्री ले लो, BCA की डिग्री ले लो, MTech, BTech, सब एक ही लेवल पे बैठे रहते हैं। जब इंटरव्यू देने के लिए जाओगे ना, ठीक है, वहां तुम्हारे साथ IIT वाला भी रहेगा। बट तब भी अगर NIT का टैग रहेगा साथ में, तो कुछ फर्क पड़ता है? सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ, सुनो एक बार, ठीक है। जैसे मान लो एक कंपनी का रिक्रूटमेंट निकला, ठीक है, काफी अच्छी कंपनी, ठीक है, कोई भी मल्टी लेवल, सॉरी मल्टीनेशनल कंपनी ले लो, ठीक है, अगर उसका रिक्रूटमेंट निकलता है तो वहां पे तुम्हारे साथ IIT वाला भी बैठे रहेगा, ठीक है, वहाँ NIT वाला भी तुम्हारे साथ बैठे रहेगा, वहां पे जो लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज है या फिर लोकल डिग्री वाले हैं, ठीक है, BCA, MCA, BTech, MTech, ठीक है, सब साथ में बैठे रहेंगे, ठीक है। जिसके पास नॉलेज होगा, वहां के जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पार कर लेगा, उसी को जॉब मिलती है, ये थंब रूल होता है। हम लोग बस सोचते हैं कि MCA कर लेंगे तो ये मिलेगा, BCA कर लेंगे तो ये मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अभी हम लोग भिलाई दुर्ग रायपुर को ही जानते हैं, बिलासपुर, ज्यादा ज्यादा कोरबा, ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है, सॉफ्टवेयर का मार्केट है ही नहीं यहाँ, ठीक है। अगर यहाँ पे काम करना है, ठीक है, तो तुमको दो तीन चीज आनी चाहिए, ठीक है, एक HTML, ठीक है, VB.NET, ठीक है, HTML, CSS और JS, ठीक है, ये हो गया, या तो PHP, ठीक है, या VB.NET, ASP.NET, इतना ये भिलाई दुर्ग में काम होता है, ठीक है। मैं खुद वेब डेवलपमेंट करता हूँ तो, ठीक है, इतने का ही काम पड़ता है, इसके अलावा मैं कोई दूसरी टेक्नोलॉजी में यहाँ बना के दिया ही नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे रहोगे तो इतने में सीमित रह जाओगे, ठीक है, यहाँ कोई डिग्री का कोई मतलब नहीं है। 12वीं वाला भी अगर प्रोग्रामिंग सीख लेगा तो भी यहाँ पे काम में रख लेते हैं, ठीक है।
लेकिन ग्रोथ अगर करना है ठीक है, तो ट्राई करो कि बीसीए के बाद एमसीए कर लो, ठीक है, क्योंकि एमसीए अगर कर लोगे तो मतलब मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है, यहाँ एलिजिबिलिटी की बात होती है, ठीक है, जैसे कि डिग्री होती है बीटेक, ठीक है, एमटेक, ठीक है, बीसीए, एमसीए, ठीक है, अगर एमसीए करोगे तो इस बीटेक के लेवल पे आओगे, बीसीए का को कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है, बीसीए के बाद एमसीए करना आपके लिए मान लो जरूरी है, कर ही लेना, मेरी बात मानो तो, ठीक है, तो अगर एमसीए कर लोगे तो लगभग लगभग बीटेक के अंदर जितने भी कोर्सेज होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सारी चीजें सीख जाते हैं, ठीक है, तो मतलब इक्विवेलेंट पाना जाता है दोनों को, ठीक है, एमसीए के बाद एमटेक भी कर सकते हो, ठीक है, जब एमटेक अगर कर लोगे तो अगर कोई कंपनी एमटेक को प्रिफर करती है, मतलब ये रिसर्च लेवल की कंपनी है, ठीक है, कौन सी है? रिसर्च, अगर रिसर्च में एक बार घुस गए, ठीक है, तो जॉब तो स्टेबल हो जाती है, ठीक है, जॉब स्टेबल हो जाएगी, ठीक है, और ग्रोथ भी बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है, तो डिग्री जो होती है वो जनरली सिर्फ और सिर्फ एक कागज होती है, ठीक है, जब तक नॉलेज नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है क्लास अटेंड करो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, अगर एकेडमिक में ही तुम लोग कर लिए ये चीज तो बाद में वो चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कई लोग को ऐसे जानता हूँ, आज भी मेरे फ्रेंड्स लोग हैं जिन लोग कॉलेज टाइम में पूरा मस्ती मारे, ठीक है, पूरा इन लोग क्या किए, घूमे, सब चीज किए, कॉलेज आना छोड़ के सब चीज किए होंगे, ठीक है, बस कॉलेज की पढ़ाई नहीं किए होंगे, मतलब अटेंडेंस लग रहा है, क्लास बंक मार के बैठे हैं, ऐसा सब चीज किए, ठीक है, लेकिन जो चीज यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है, वो तुम लोगों को लाइफ टाइम याद रहेगी, है ना, होता है ना गुलशन, कि नहीं होता है, अब तुम लोग पता नहीं याद रखते हो कि नहीं रखते हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें तुम लोग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोग अभी फाइनल ईयर में हो, ठीक है, फाइनल ईयर को उस डिग्री की अहमियत पता होनी चाहिए, उस नॉलेज की अहमियत पता होनी चाहिए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं 3 साल में, हम लोग ने जो पढ़ा वो किस काम का है, ठीक है, अब गर्ल्स का हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि गर्ल्स का फैमिली भी मैटर करता है, क्योंकि फैमिली के डिसीजंस थोड़े हैवी होते हैं, ठीक है, जो बॉयज होते हैं तो उन लोग के लिए मतलब अपनी लाइफ को बनाना, ठीक है, वो यहीं से शुरुआत होती है, अभी टर्निंग पॉइंट आएगा आप लोग के लाइफ में, जैसे डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, 3 साल कंप्लीट, उसके बाद कौन किस तरफ मुड़ेगा कोई नहीं जानता, जैसे गुलशन है, गुलशन मान लो एमसीए ज्वाइन कर लिया, ठीक है, अब वो कुछ प्लान किया होगा तभी तो एमसीए ज्वाइन किया है ना, ठीक है, जैसे अतुल है, अतुल मान के चलो कि एमएससी कंप्यूटर साइंस ज्वाइन कर लिया, ठीक है, कुछ प्लान किया होगा तभी किया है, या फिर कई लोग क्या करते हैं बीसीए के बाद एमबीए कर लेते हैं, ठीक है, लाइन ही चेंज कर लेते हैं, टोटल लाइन चेंज कर लेते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी हट के सीधा सीधा मार्केटिंग में चलेगा, है ना, तो वो अपनी अपनी चॉइस होती है, ऑप्शंस बहुत सर, वही सारे। मैं सोच हाँ वही मैं मार्केटिंग का सोचा था सर। मार्केटिंग कैसे रहता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया ये सब। अरे देखो मैं बता रहा हूँ, देखो अगर मार्केटिंग लाइन में घुसना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो डिग्री ले लेना एमबीए की, विदाउट डिग्री अगर मार्केटिंग में घुसोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकल मार्केट में घूमते रह जाओगे, आया समझ में, अगर जी बड़ी बड़ी कंपनी में कैच करना है, ठीक है, जैसे एक आप ही लोग के सीनियर है, सुपर सीनियर, बहुत साल पहले की बात है, मतलब वो 2013
2013 पास आउट होगी, यहीं से पास आउट है साई कॉलेज से, ठीक है। मेरी फ्रेंड है वो बीसीए के बाद एमबीए की, ठीक है, एमबीए की कहाँ से, पुणे से, सिंगड़ यूनिवर्सिटी से की। देन उसके बाद वहीं से रिक्रूटमेंट हुआ सनसिल्क में। सनसिल्क जो शैम्पू यूज करते हो ना, उसमें रिक्रूटमेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद उसने जो जंप किया सीधा आईसीआईसीआई बैंक में, आज सीनियर मार्केटिंग मैनेजर है वो मुंबई में। और उसका अगर पैकेज सुनोगे तो पैकेज वहां 36 लाख रुपए पैकेज है उसका, 36 लाख, ठीक है। कभी आएगी तो उसको मैं सोचा हूँ कॉलेज में एक आध बार बुलाऊं उसको, ठीक है, और थोड़ा मोटिवेट करेगी, ठीक है। उसकी जो पर्सनालिटी है देखना, ठीक है, वे ऑफ टॉकिंग